फ्रेंड्स, आज हम नमक की थैली से बनाने वाले हैं ऐसे ऑर्गेनाइजर जो कि हमारे किचन में कचरे की समस्या को दूर कर देंगे। इसके लिए मैंने ऑर्डर किए खाने के ये प्लास्टिक के बाउल लिए हैं। ऐसे बाउल हमारे घर में अक्सर फालतू पड़े रहते हैं, तो इन्हें हम आज यूज करेंगे। ऐसे ही दो पीस ले लेंगे। इसके अंदर ग्लूगन लगाकर हमने नमक की थैली काट कर रखी थी, उसे फिट कर देंगे इसमें। यहाँ पर मैंने नमक की थैली ही इसलिए ली है फ्रेंड्स, क्योंकि यह इसमें एकदम फिक्स हो गई और यदि कचरे में पानी भी होगा तो वह इसके अंदर आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि यह कितने अच्छे से फिक्स हो गई है इसमें। इस तरह से हमारे ये दो बाउल के पीस तैयार हो गए। अब फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर है, आप इसे किस तरह से किचन में रखते हैं। यदि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो इन्हें ऐसे ही किसी गत्ते के डिब्बे में किचन में कहीं भी सेट कर दीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे इसे थोड़ा सुंदर भी बनाना था। इसके लिए लिए हैं मैंने थर्माकोल और इसके लिए बना दिया है एक छोटा सा हाउस जिसमें इन दोनों को रखूंगी। इस समय यदि ग्लूगन बहुत गर्म है तो ये थर्माकोल को पिघला देगी। हमें नॉर्मल ही गर्म करना है और नॉर्मल ग्लूगन भी अपना काम बहुत अच्छे से कर देती है। तो यहाँ पर मैंने थर्माकोल के जो पीस काटे थे उन्हें जोड़कर तैयार कर लिया है एक छोटा सा हाउस, और ये दोनों रखे हुए देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। इस समय फ्रेंड्स, मेरे पास जितने भी थर्माकोल के पीस बेकार कटिंग करे हुए रखे थे सब निकल गए और काम आ गए। अब देखिए, दोनों बाउल के नीचे रखने के लिए दो स्टैंड, दो दरवाजे तथा बीच का पार्टीशन ये तैयार कर लिए हैं। हमारे सारे पार्ट्स तैयार हैं फ्रेंड्स। वीडियो को देखते रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब मुझे इसे प्रिंटेड शीट से कवर करना था। यहाँ पर मैंने पार्टीशन लगा दिया है बीच में, और देखिए रख कर देख लीजिए कि अपने बाउल आ रहे हैं कि नहीं। इस तरह से ये दो दरवाजे हैं, और फ्रेंड्स इन्हें हमें स्लाइडर की तरह सरकाना है। तो एक बार यह अच्छे से करके देख लीजिए। मैंने तो इसे चार पांच बार करके देखा। अब हाउस को पूरा प्रिंटेड शीट थी उसे कवर कर लिया है। यदि फ्रेंड्स आपको यही अच्छा लगता है तो आप इसे भी अपने किचन में कहीं भी सेट कर सकते हैं। इसके अंदर दोनों बाउल रखकर आप इसमें कचरा डाल सकते हैं और भरने पर खाली करके वापिस इसे एज इट इज रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और बन गया ना हमारा सुंदर सा डस्टबिन। आप सोच रहे होंगे फिर आगे इतनी मेहनत क्यों करी। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम सूखा कचरा तो कहीं से भी ऊपर से भी डाल सकते हैं, परंतु जो रसोई का गीला कचरा होता है जैसे कि पत्ती वगैरह होती है उसे यदि हम ऊपर से डालेंगे तो रसोई भी गंदी होगी। और जो हमारा एम है कि रसोई में गंदगी नहीं करना है, कचरा नहीं दिखाना है, वह पूरा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से दोनों दरवाजे बना लिए हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से अंदर बाहर हो रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आपके पास टाइम नहीं है आप गीला कचरा भी इसमें डाल दें, अंदर कर दीजिए। जब भी रसोई का काम खत्म हो, आपके पास टाइम हो, इसे निकालिए, बाहर करिए और जो बड़ा डस्टबिन होता है उसमें डाल दीजिए। देखिए कितने अच्छे से कचरा इसमें से निकल गया। अब इसे वापस से धोकर हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। हो गया ना हमारा काम आसान। तैयार हैं दूसरे दिन के लिए दोनों डस्टबिन, छोटे और प्यारे से। मैंने दरवाजे पर भी एक शीट लगा दी, और देखिए हैंडल के लिए मैंने क्या यूज किया है। ये है एक होम्योपैथिक दवाई की शीशी का खाली ढक्कन जो कि बेकार ही पड़ी थी। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इस तरह छोटी छोटी चीजों से हम कितने अच्छे ऑर्गेनाइजर घर में ही बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसी पर वीडियो लाऊंगी। और देखिए, क्या कोई कह सकता है कि इसके अंदर कचरा है, देखने में भी सुंदर और हमारा काम भी हो गया आसान। यहाँ पर अब ये हमारा ऑर्गेनाइजर एकदम रेडी है फ्रेंड्स। बट मैंने सोचा कुछ कमी रह गई हो तो देखती हूँ। तो ये जो पार्ट्स है, ये बीच का
ये वाला, ये मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो यहां पर भी मैंने एक छोटी सी सीट काट कर लगा दी है। आप कमेंट करके जरूर बताना ये आइडिया कैसा लगा। है ना, काम की चीज, दिक्कत होती थी ना रसोई के काम में, छोटे छोटे कचरे होते हैं जो कि हमें बाहर जाने पर मजबूर कर देते हैं, या फिर रसोई में एक कचरे की थैली रखने पर मजबूर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें ये छोटे छोटे कचरे के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपका टाइम भी बचा और आपको थकान भी कम होगी, क्योंकि यहीं पर ही कचरा डालने की व्यवस्था हो गई है। फ्रेंड्स, कचरा गीला हो या सूखा हो, आप इसे बाहर नहीं डालकर अब यहीं पर रसोई में ही डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और फ्रेंड्स, वास्तव में ये जो ऑर्गेनाइजर बना है, ये एक शोपीस की तरह लग रहा है, और कोई कह ही नहीं सकता कि एक छोटा सा प्यारा सा डस्टबिन है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई यूजफुल इंटरेस्टिंग वीडियो में, जो कि घर के काम में सहूलियत दे। इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। प्लीज कमेंट जरूर करना, और यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। फ्रेंड्स, बाय बाय।